हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड friend वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पीएच एच एंट्रेंस एग्जाम के आ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं तो हम तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वन सिक्सटी नाइन से गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोस्ट सर्वोत्कृष्ट नमूना है यानी कि हमें बताना है जो गुप्त स्थापत्य कला है उसका सर्वोच्च नमूना क्या है ऑप्शंस हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर भीतर गांव का मंदिर या फिर भूमरा का शिव मंदिर तो फ्रेंड्स हम बात करें गुप्त स्थापत्य काल की तो वहां का देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है हम कहेंगे कि वहां का सर्वोस्त आ, नमूना है वहां पे तो हम यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ का देशावतार मंदिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हमें बताना है कि सोने के सिक्के हैं जो सबसे ज्यादा किस काल में चलाए गए थे ऑप्शन हैं गुप्त वर्धन या फिर मौर्य तो सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए गए थे वो चलाए गए थे गुप्त काल में तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है हर्षवर्धन की राजधानी थी अब हमें बताना है हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो क्या थी थानेश्वर पाटलिपुत्र उज्जैन या फिर कन्नौज तो फ्रेंड्स जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थी हमारी कन्नौज तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या है राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चीनी यात्री हेन किसके शासन काल में भारत आए थे ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार गुप्त हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन तो फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक है मैं आपको याद करा देती हूँ देखिए हेन स्टार्टिंग में हाँ आ रहा है और इसका जो जिसके शासन काल में आए थे उनके स्टार्टिंग में भी हाँ है तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं सॉन्ग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी भी मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है डेली संतनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है तो आप एक बार जरूर उसको जाके वहाँ पे देख लीजिए क्योंकि यहाँ थ्री हंड्रेड क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको करवाऊंगी जो कि बहुत टाइम से लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो अगर आप दिल्ली संतनत की पूरी वीडियो एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और आपके एग्जाम में दिल्ली संतनत से दो या तीन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं तो आपको उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी बान भट्ट ने हरिशेख ने रवि कीर्ति ने या फिर कालिदास ने तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रयाग की तो इसकी रचना की थी हरिशेष ने तो ऑप्शन बी पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन को नम्रदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था ऑप्शन है पुलकेशन प्रथम अमोघवर्ष पुलकेशिन द्वितीय या फिर देवपाल तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किस शासक ने हराया था तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय तो ऑप्शन याद रखिएगा पुलकेशिन प्रथम नहीं आएगा द्वितीय आएगा तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता यानी कन्नौज के लिए तीन पक्षों से युद्ध लड़ा गया था तो उसको किसने जीता था अंत में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य ने तो फ्रेंड्स इसको जीता था प्रतिहार ने तो ऑप्शन बी हमारा पे राइट आंसर है फ्रेंड्स हम को जल्दी जल्दी करेंगे और अगर कहीं लगता है कि डिस्कशन करने वाली पॉइंट है तो मैं वहां डिस्कशन कर दूंगी क्योंकि हमें थ्री हंड्रेड क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग अब रह गए हैं उनको आज ही डिस्कस करना है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था कृष्ण प्रथम ने इंद्र प्रथम ने इंद्र तृतीय ने या फिर कृष्ण तृतीय ने तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर की तो इसका इस, निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है स्थानीय सुशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी चेरों की पल्लवों की चोलों की या फिर पालों की तो फ्रेंड्स स्थानीय सुशासन की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो थी चोलो वंश की तो ऑप्शन सी पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से किसके शासन काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है हमें बताना है किसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अचात शत्रु तो फ्रेंड्स सोनयुग का काल कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी अब हमें बताना है जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी ऑप्शन सी स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त तो प्रथम के शासन काल में तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लीजिएगा आपको अदर क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं नेक्स्ट है हैंगणी के रचयिता है अब हमें बताना है राज के रचयिता कौन है कालिदास या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसके रचयिता है कलहण ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि कलहण से ही रिलेटेड है कलहण द्वारा रचित राज तरंगणी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है विजयनगर राजगृह कश्मीर या फिर पाटलिपुत्र तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो इतिहास का वर्णन किया गया है है वो किया गया? कश्मीर के इतिहास का तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था नरसिंह प्रथम ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने राजेंद्र प्रथम ने या फिर राज राज ने प्रथम ने तो फ्रेंड तंजौर के जो ब्रद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण था वो करवाया था प्रथम ने तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सौ 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था अब हमें बताना है कि जो आक्रमण हुआ था 712 सौ ईस्वी में वो किसने किया था मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद हजाल महमूद गजनवी या फिर महमूद गौरी ने तो फ्रेंड्स ये जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था पंद्रह बार सोलह बार सत्रह बार या फिर उन्नीस बार फ्रेंड्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है तो उन्होंने सत्रह बार भारत पर आक्रमण किया था ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था वह हिंद पर आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण कालिजर पर आक्रमण और नारायणपुर पर आक्रमण तो फ्रेंड सबसे ज्यादा जो इनका इंपॉर्टेंट था वो था सोमनाथ पर आक्रमण पर इन्होंने बार आक्रमण किया था था और ये था, ये सोमनाथ मंदिर जो सोने का बना हुआ था और इन्होंने बार बार उसको विध्वंस किया उनका सोन, सोना जो था वो चुरा कर ले गए इन्होंने बहुत बार कोशिश करी सोमनाथ पर आक्रमण करने की ठीक है तो यहाँ सोमनाथ पर आक्रमण इनका सबसे आक्रमण हाँ, हम बोल सकते हैं आक्रमणक आक्रमण था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी किताब उल रहला की शाहनामा की रास्तंगणी की या फिर किताब उल हिंद की तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी किताब उल हिंद की फ्रेंड्स से बहुत नेक्स्ट तो तो क्वेश्चन है? Right है. है भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया तो हमें बताना है कि वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया पृथ्वीराज चौहान मूलराज प्रथम मूलराज द्वितीय या फिर जयचंद तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मूलराज द्वितीय जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है शाहनामा की रचयिता कौन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है शाहनामा बहुत पूछी जाती है फिरदौसी उत् अमीर खुसरो या फिर अल परूनी? तो फ्रेंड्स शाहनामा लिखी है फिर ऑप्शन तो ए आप यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट हो रहे हैं मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ हमने एक वीडियो बनाई है दिल्ली सल्तनत के ऊपर ठीक है दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक वीडियो है अगर आपने वो वीडियो देख ली तो अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पांच से दस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके उस वीडियो में कवर हो जाएंगे क्योंकि हमने वो सारा कॉन्सेप्ट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब हमने डिस्कस किया है तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है ईजिली दे सकते हैं हमने वहां डिस्कस किया था कि वहां पर कौन था पर्सन जिसने चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी ऑप्शंस हैं इलतुतमेश बलवन कुतुब्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक समय था जिस अपने घोड़े पर बैठकर ये वहाँ पे चौगान खेल रहे थे एक पोलो होता है एक गेम वो खेल रहे थे उसकी बॉल इनके सर पर लगी थी जिसकी वजह से ये घोड़े से नीचे गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी तो यहाँ पर राइट आंसर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था ये भी फ्रेंड्स हमने वहाँ पे डिस्कस किया है ऑप्शन है नि, निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोहम्मद गौस और सलीम चिश्ती तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ये जो हमारे कुतुबद्दीन ऐबक थे उनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये उनके गुरु थे उनकी याद में इन्होंने ये बनवाया था लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने रखी थी या फिर उसको पूरा किसने करवाया जी अलग अलग क्वेश्चन है ठीक है नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लेकिन चौगन खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई उसके बाद जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेबक इलतुत करवाई थी किसने कंप्लीट करवाई थी ने ठीक है तो ये क्वेश्चन का काम किसने पूरा करवाया तो वो थे कुतुबुद्दीन और ए... नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ठीक है तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा और एक बार आप, आप उसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी ये भी फ्रेंड्स हमने वहां पर डिस्कस किया सारे है सारे क्वेश्चंस वही हैं मैंने आपसे कहा आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं और हमारे और भी वीडियोस जो हैं वो सब देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए हैं ऑप्शन है, है चांद बीबी रजिया सुल्तान गुलबदम बेगम और नूर जहां तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आपको बता दूँ वैसे मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है रजिया सुल्तान जो है वो इलतुत की कौन थी उन इलतुत मिश्की वहाँ पे ये उनकी बेटी थी इलतुत का बेटा था जो कि निकम्मा था और मतलब उसको शासन करने की अकल नहीं थी तो उन्होंने अपने बेटे की जगह अपनी बेटी को दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए दी थी तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है पहली महिला शासकांति दिल्ली की ठीक है लेकिन बाद में इनकी मृत्यु कर दी गई थी कुछ साल इन्होंने शासन किया था उसके बाद इनकी मृत्यु करवा दी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रथा किसने प्रारंभ की थी मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने सिकंदर लोदी ने या फिर इलतुत्मिश ने तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें कि एकतादारी की प्रथा किसने शुरू की थी तो ये शुरू की थी इलतुत्मिश ने ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया नेक्स्ट है भारत में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी बलवन ने इलतुत्मिश ने मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिजदा पावोस की तो ये प्रथा शुरू की थी बलवन ने ठीक है है तो ऑप्शन पे पे आपका ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की इलतुतमिश बलवन अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सुल्तान सु, ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की वो थे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे राइट आंसर है इन्होंने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी और इन्होंने बहुत सारे सिस्टम भी बनाए थे इन्होंने टैक्स सिस्टम भी बनाया था ये पूछा जा सकता है टैक्स सिस्टम कौन लेकर आए थे तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही लेकर आए थे नेक्स्ट है तूती हिंद फ्रेंड्स ये चीज भी हमने वहां डिस्कस की है हमने सारी चीजें वहां पे डिस्कस की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है अमीर खुसरो अलबरूनी अबुल फजल या फिर बदायूनी तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है और ये तूतीय हिंद किसने कहा था ये कहा था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी ने ये खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो एक कभी के रूप में थे ठीक है तो ये इनका क्या था अमीर खुसरो की आदत आती बहुत बोलते थे तो उन्होंने कहा था कि तुम हिंद का यानी पैरट ऑफ इंडिया हो और इन्होंने एक नाम भी दिया था जिसको बोलते तूती हिंद तूतीय हिंद भी बोल सकते हैं आप कंफ्यूज मत होगा तो तूतीय हिंद अमीर खुस सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था अमीर खुसरो को उन्होंने उनको नाम दिया था तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की ये भी फ्रेंड्स हमने वहाँ डिस्कस किया है लाहौर आगरा कराची या फिर दौलताबाद तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इस्लामा इस्लामाबाद भी अपनी राजधानी को बनाया था लेकिन उन्होंने जो अपनी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वो की थी दौलताबाद उससे पहले इस्लामाबाद रखी थी ठीक है नेक्स्ट है किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी हमने वहां पर डिस्कस किया है सऊदी अरब मोरक्को तुर्की या फिर पुर्तगाल तो फ्रेंड्स इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट right आंसर है फ्रेंड्स अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो देखी है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि ये यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं नेक्स्ट है दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज तुगलक सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी तो फ्रेंड दीवाने अमीर कोही की स्थापना की बात करें तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें ये तुगलक लोधी वंश ये सारे वंश भी पूछे जाते हैं कि ये जो दिल्ली वंश दिल्ली संतनत के जो हम बोल सकते हैं जिन जिन ने राज किया था वो किस पीरियड में कौन आए थे तो सबसे पहले यहाँ पर आया था स्लेव वंश फिर आया था यहाँ पे खिलगी वंश ऐसे इस तरह से बहुत सारे हैं तो अब वहां पर डिस्कस हमने किया है पूरा डीपली कि किस किस तरह से कौन कौन राजा आए जिन्होंने यहाँ पे शासन किया कौन कौन से वंश आए तो आप एक बार जरूर देखिएगा जिसमें कि सबसे लास्ट का जो वंश है जिसने वहाँ पे शासक किया वो था वहाँ पे लोदी वंश लोदी वंश के बाद फिर एक नया वहाँ पे शासन शुरू हुआ ठीक है तो लास्ट शासन अगर हम दिल्ली दिल्ली सु, सुल्तानों की वहां पे बात करें तो सबसे लास्ट वंश था लोदी वंश और जो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो वंश था वो था वहाँ पे स्लेव वंश जिसको हम बोलते हैं स्लेव वंश बोलते हैं वो था वहां पे फर्स्ट उसके बाद और भी बहुत सारे वंश पे पे किया और बहुत सारी प्रथा भी वो लेकर आए जो कि एग्जाम में बहुत पूछ ली जाते हैं कि ये प्रथा किसने शुरू की ये टैक्स किसने लगाया या फिर ये वाली जो चीज थी ये मकबरा था ये किसने बनवाया इस तरह के क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वधर्म किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया देखिए फ्रेंड्स आ गया ना अगेन वही आगे क्वेश्चन जजिया कर की बात की जा रही है अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें बहुत पूछी जाती है सिंचाई कर और जजिया कर और मैंने आपको बताया भी था कि टैक्स किसने लगाया था अभी मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था ऑप्शन है लाउद्दीन खुल खिलजी मोहम्मद बिन तोगलक फिरोज तोगलक और सिकंदर लोधी तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंचाई कर और जो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर था ये लगाया था फिरोज तुगलक ने ठीक है कंफ्यूज मत लालाउद्दीन खिलजी ने भी लगाए थे लेकिन वो अलग थे वहां पे डीपली मैंने डिस्कस किए हैं वहां देख लीजिएगा लेकिन जजिया कर जो था ब्राह्मणों पर वो फिरोज तुगलक ने लगवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया है मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज तुगलक शेर शाह या फिर शाहजहां है तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर हम सांकेतिक मुद्रा की तो इसका जो शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिल, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था फिरोज तुगलक बहलोल लोदी खिज्र खान या फिर सिकंदर लोदी तो फ्रेंड्स जो गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखता था वो था सिकंदर लोदी और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था तो वो था सिकंदर लोदी तो ऑप्शन भी यहां पे क्या है हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है खिल सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक नसीरुद्दीन महमूद भैलोल लोधी या फिर सिकंदर लोदी तो फ्रेंड्स टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ जो लेकर आए थे वो थे फिरोज तुगलक उन्होंने दिल्ली में स्थापित करवाए थे तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था बहलुल लोधी इब्राहिम लोधी सिकंदर लोदी या फिर राणा सांगा तो फ्रेंड्स बात करें बाबर के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था फ्रेंड्स बाबर जो आए थे उस अगर हम बात करें बाबर के टाइम की तो उस समय लोधी वंश था यानी कि अंतिम वंश था उस समय बाबर आए थे तो उस टाइम जो शासक था दिल्ली का वो था इब्राहिम लोधी तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की कृष्णदेव राय ने सदाशिव राय ने हरिहर तथा बुक्का ने या फिर देव राय ने तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो इसको किया था हरिहर तथा बुक्का ने तो ऑप्शन सी यहां पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे कृष्णदेव राय के हरिहर द्वितीय के देवराय द्वितीय के या फिर नरसिंह सालुफ के तो फ्रेंड्स अष्ट दिग्गज की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय के तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त मालियत किस भाषा का ग्रंथ है हिंदी संस्कृत फारसी तेलगु तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ऑप्शन है देवराय द्वितीय हरिहर द्वितीय कृष्णदेव राय या फिर बुक्का प्रथम तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें बिठल का और हजारा का मंदिर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है आगरा अजमेर दिल्ली या फिर लाहौर में तो फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था बिहार महाराष्ट्र पंजाब या फिर गुजरात तो फ्रेंड्स सुहरावर्दी सिलसिला का अगर हम मुख्य केंद्र की बात करें तो इसका जो मुख्य केंद्र है वो है पंजाब में तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था पीर बली मुरीद या फिर ये सभी तो फ्रेंड जो सूफी संत के जो शिष्य हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था मुरीद तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं ठीक है और हमारा वीडियो बहुत लंबा हो हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करें विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य माधवाचार्य निम्बकार चार या फिर रामानुजाचार रहे तो फ्रेंड्स बात करें हम विशिष्टा द्वैत मत के प्रबंध प्रवर्तक की तो वो है हमारे रामानुजाचार रहे तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आज की वीडियो का फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिव वावनी के रचनाकार है पद्यकर भूषण केशवदास या फिर जगनिक तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें शिवा वावनी की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंने आपको अपनी 20 डे सीरीज और भी इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट कराएं उसमें सब में कराई हुई है शिव वामनी हर बार पूछी जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिव वामनी है भूषण के द्वारा लिखी हुई तो ऑप्शन भी यहां पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यावाची नहीं है तो आपको पर्यावाची शब्द भी अपने कराए हुए हैं जलधर नभराज अब्द और धराधर धराधार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है पर्यावाची नहीं है बादल का नेक्स्ट आते हैं जहां बिना कारण के कार्य ना होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है विरोधाभास विशेषोक्ति विभावना या फिर भ्रांतिमान तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभावना क्योंकि जहाँ पर बिना कार्य के कार्य यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर कारण होता है तब कार्य किया जाता है तो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो विभावना होता है विभावना ठीक है मोर नाच रहा है इस वाक्य में मोर क्या है भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा ये मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ तो मोर नाच रहा है यहाँ पर मोर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मोर एक जाति को बता रहा है ठीक है ये नहीं पता कौन सा मोर लेकिन मोर जो है एक जाति है ठीक है जिसमें बहुत सारे मोर आते हैं कोई भी मोर हो सकता है मध्यकाल में काव्य द्रव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी राजस्थानी मगही ब्रजभाषा या फिर बघेली तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा ठीक है नेक्स्ट है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा प्रतिहार प्रहरी साक्षर प्रतिनिधि तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो पहरा दे रहा है ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रहरी ठीक है नेक्स्ट आते हैं वीर गाता काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रदाई जगनिक दलपति विजय या फिर विद्यापति तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रदाई ठीक है नेक्स्ट है का स्थाई भाव क्या है मैं आपको सबके स्थाई भाव करा चुकी हूँ आप ट्वेंटी डे दे सीरीज देख लीजिएगा विस्मय क्रोध जुगुप्सा या फिर शोक तो फ्रेंड फ्रेंड्स यहाँ पे विभत्स का जो स्थाई भाव है वो है जुगुप्सा तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नेक्स्ट है सा परिवार में कौन सा उपसर्ग है तो फ्रेंड्स आप यहीं अलग से लगा लीजिए लास्ट का जो वर्ड है उसका अलग मीनिंग होना चाहिए तो आगे सा लग रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सा यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है ठीक है नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहारी भाषा की बोली नहीं है भोजपुरी छत्तीसगढ़ी मैथिली या फिर मगही तो फ्रेंड्स राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी बिहारी भाषा की बोली नहीं है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटना है विलक्षण विलक्षण या फिर विलोक्षण तो सही वर्तनी है विलक्षण तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है ठीक है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए पाठ पढ़कर कल आइए कल आइए पाठ पढ़कर कल पाठ पढ़कर आइए पढ़कर आइए कल। तो फ्रेंड्स पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है जैसे कि पाठ पढ़कर कल आइए ठीक है ये गलत है कल आइए पाठ पढ़कर ये भी गलत है पाठ पढ़कर आइए कल ये भी गलत है तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा कल पाठ पढ़कर आइए ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योग शब्द बताना है अगेन ट्वेंटी डे सीरीज में मैं ये पूरी वीडियो करा वर्णमाला से रिलेटेड सारी चीजें आपको करा चुकी हूँ योग और ये संयुक्त वर्ण ये स्वर कितने होते हैं कैसे होते हैं अंतस्थ कौन से होते हैं ये सारा मैं आपको डीपली करा चुकी हूँ तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पंकज दयानिधि पानी या फिर शिल शिलिकाय तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा योग शब्द है क्योंकि योगरूण शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जिनका बस नाम 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 रख दिया जाता है है वो उसी के नाम से जाने जाते हैं ठीक मतलब कोई सेंस नहीं होता कि इसका जैसे पानी है पानी का नाम पानी क्यों रखा गया कि हमें नहीं पता बस इसका नाम रख दिया गया है और हम उसी से जानते हैं पानी ठीक है तो कुछ चीजों के बस नाम रख दिए जाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि क्या सेंस था किस वजह से इनके ये नाम रखे गए ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं अगेन ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं है सोलह है? अठारह तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हैं और friend, दोहा की बात की बात जाए तो दोहा में जो मात्रा होती हैं वो होती हैं हमारी चौबीस ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बिहारी के क्या प्रसिद्ध है बिहारी के दोहा प्रसिद्ध है ठीक है नेक्स्ट है राजभाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा साहित्य सृजन की भाषा सरकारी कामकाज की भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या फिर बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है बिनय पत्रिका किसकी कृति है सूर तुलसीदास जायसी या फिर मचन तो फ्रेंड्स राइट आंसर है विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी हुई कृति है तो ऑप्शन बी यहाँ क्वेश्चन right है, है पन में कौन सा प्रत्यय है आन अब देखिए प्रत्यय है तो आप बाद में देखिए चुलबुला ठीक है चुलबुला एक अलग मीनिंग हो गया बाद में क्या बचा पन तो आप इजिली बता सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है आ, आ, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें सॉरी चुलबुला पन बोला गया है यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आ, राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी अन ठीक है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है शांति दूत में कौन सा समास है बहुब्रीही अव्यव तत्पुरुष समास या फिर द्वंद तो शांति दूत में बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है नेक्स्ट है आज में कौन सा समास है कर्मधार तत्पुरुष समाज दिगु या फिर अव्यय भाव तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है डी अव्यय भाव नेक्स्ट है रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलुकदास बिहारी लाल दादू दयाल या फिर केशव दास तो रसिक प्रिया की रचयिता हैं केशव दास फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में खड़े हैं जो कि पूर्व की तरफ मुंह करे हुए तो एक पंक्ति ऐसी बना लीजिए जिनका मुंह क्या होगा इस तरफ होगा और ये कितने पर्सन हैं सेवन तो आप सेवन लाइन कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है अब यहाँ पर ये सी और डी के एकदम दाएं बैठा है यानी कि सी जो है वो डी के एकदम दाएं है तो अगर हम रखें यहाँ पे सी तो डी एकदम उसके दाएं हो गया अब यहाँ पर ये यह बोल रहे हैं कि बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है तो देखिए बी यहाँ भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है अभी हमें कंफर्म नहीं है बी कहाँ बैठा है और उसके पास ई बैठा है तो ई हम यहाँ भी रख सकते हैं ई हम यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सी रख दिया तो एक तरह से ये दोनों कट गए तो ठीक है ई हम यहाँ पर रखेंगे बीई हो सकता है हमारा सी और डी हमने बिठाया है यहाँ तो यहाँ ना हो तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं ये नहीं बैठता तो हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो अभी तो हमारी प्लेस ये हो गई ठीक है अब इसके बाद है जी ई e और एफ मतलब जी जो है वो ई e और एफ के बीच में बैठा है तो ई हमने यहाँ बैठाया तो, e तो इट मीन्स हमें एफ यहाँ बिठाना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए जी डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है अब दक्षिणी सिरे से देखें तो डी जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पर आना चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरे नंबर पर ही है देखिए अब मैच कर गया वन ये हो गया टू ये हो गया एंड थ्री ए हो गया तो ये तीसरे नंबर पर है अब हमारे पास क्या बचा फ्रेंड्स ए बचा अब हमारे पास तो ए हम यहाँ पे रख देते हैं ठीक है एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ अगर आपको क्लियर ना हो देखिए ये हमने पंक्ति बनाई यहां से तीसरे नंबर पे हमने किसको बिठाया डी को और उसके बाएं कौन है सी ठीक है अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी जो है बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा है बी हो गया और उसके बाद क्या है बी बी के पास में कौन बैठा हुआ है ई e बैठा हुआ है उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जी जो है वो ई e और एफ के बीच में है तो जी यहाँ आ गया एफ यहाँ आ गया तो कितने पर्सन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो आपको क्या बचा? ए ए हमारा इधर आ गया तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया वे व्यक्ति कौन है जो छोर पर बैठे हुए हैं तो बी बैठा हुआ है छोर पर और ए बैठा हुआ है छोर पर. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट आते हैं सीता अशोक की भतीजी है अशोक की माता लक्ष्मी है तो इस तरह से बना लेते हैं अशोक यहाँ पे सेंटर में है तो अशोक को सेंटर में रखते हैं अशोक की भतीजी यानी कि एक तरह से इसकी बेटी हम मान लेते हैं यहाँ पर अशोक की भतीजी कौन है यहाँ पर सीता है ठीक है सीता कौन है अशोक की भतीजी अशोक की माता लक्ष्मी है ऊपर इसकी इनकी माता आ गई लक्ष्मी ठीक है कल्याणी लक्ष्मी की माता है अब कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी माता है तो ये क्या आ गई कल्याणी ठीक है अब कल्याणी का पति गोपाल है तो कल्याणी का पति कौन हो गया यहाँ पे गोपाल ठीक है ये गोपाल हो गया पार्वती गोपाल की सास है अब पार्वती कौन है यहाँ पे गोपाल की सास हो गई ठीक है यानी कि कल्याणी की माता की सास है सीता का गोपाल से क्या संबंध है अब ये जो सीता है इसका इस गोपाल से क्या संबंध है तो ये बताना है हमें सीता का गोपाल से तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी भतीजी है ठीक है तो ये इसके चा चाचा लगी वो चाचा लगा अब इसकी माता जो है लक्ष्मी है लक्ष्मी की माता कल्याणी है और वो उसका फादर है तो इस इट मीन्स हम ये यह यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सीता जो है वो पड़पोती हो गई ठीक है गोपाल की कौन हो गई सीता पड़पोती हो गई ठीक है तो देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा हुआ है सीता गोपाल की कौन है पड़पोती है तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा क्योंकि स्क्रीन पर हम और इससे अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते आई होप आपको क्लियर हो ये अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताएगा क्लियर है तो प्लीज एक बार जरूर बताएगा ये भी कि हमको ये क्वेश्चन क्लियर है ठीक है नेक्स्ट आते हैं ए बी की बहन है अब ए कौन है बी की बहन है यानी कि ए बहन है बी भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है ठीक है अब सी बी की माता है सी कौन है बी की माता है ठीक है ये बी की माता है डी सी का पिता है डी कौन है सी का भी पिता है सी का पिता कौन है डी यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता ठीक है ई e, डी की माता है अब ई e कौन है डी की माता है तो एक बार हम इसको फिर से बना लेते हैं ठीक है ए कौन है बहन है किसकी बी की ठीक है सी बी की माता है इसकी माता कौन है सी डी सी का पिता है अब डी कौन है सी का पिता है यानी कि ये माता हो गई और ये डी पिता है ये प्लस में आ गया ठीक है मेल को हम प्लस में डिनोट कर रहे हैं माइनस मतलब फीमेल है हमारा ठीक है बी अभी हमें पता नहीं है प्लस है कि माइनस है यानी कि मेल है 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 या फीमेल अब इसमें ये कहा गया है? और ई e जो डी की माता है ई e कौन है डी की माता है ठीक है तो अब ये बताना है ए ए का डी से क्या संबंध है अब हमें ए का से संबंध बताना है तो फ्रेंड्स देखिए ये इसकी क... अगर हम मान लें कि ये इसकी बहन है यानी कि ये इसकी बेटी हो गई इसकी बेटी और इसकी कौन हुई नातिन हो गई ठीक है इसकी नातिन हुई क्योंकि ये इसका कौन लगा इसका ये नाना लगा तो ये इसकी नातिन हुई तो यहाँ पर आ, अगर हम देखें इससे पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन में तो ये नातिन आ, अगर हम देखें फ्रेंड्स तो हिंदी में नातिन जो होता है वो अंग्रेजी का ड्रांड ग्रांड डॉटर ही कहलाता है क्योंकि पोती भी ग्रांड डॉटर हो गई नातिन भी ग्रांड डॉटर हो गई तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पोती ही यहाँ पे टिक करेंगे वैसे नातिन होना चाहिए था हिंदी के अकॉर्डिंग ठीक है लेकिन अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो वहाँ पे ग्रांड डॉटर लिखा होता क्योंकि पोती को भी ग्रांड डॉटर बोलते हैं और नातिन को भी ग्रांड डॉटर बोलते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पोती को ही राइट right आंसर करेंगे ठीक है आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नातनी का तो ऑप्शन है ही नहीं और ये इसकी नातिन लगी पोती नहीं लगी तो फ्रेंड्स अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे क्योंकि ये आपका बाइलिंगुअल आएगा तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रांड डॉटर ही लिखा होगा दोनों को ग्रांड डॉटर कहा जाता है इसलिए आप पोती पर ही टिक लगाइएगा ठीक है और वैसे भी अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ गड़बड़ भी होगी तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑप्शन नहीं दिए होते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे लेकिन फिर भी आप टॉप जो क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है बट अगर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लगा कर जरूर आएगा छोड़कर मत आइएगा ठीक है नेक्स्ट है अब देखिए फ्रेंड्स ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी दो तरह से दिए होते हैं जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं हमें वर्ड दे रखे हैं अब इनका जो रियल में नंबर होते हैं वो यहाँ पे गिवन होते हैं जैसे नंबर दे रखे हैं ये रियल वाले भी दे सकते हैं जैसे कि रियल वाले में मेरा मतलब ये है जैसे कि ए आता है फर्स्ट पर बी आता है टू पर सी आता है थ्री पर डी आता है फोर पर एंड एक्स वाई जेड ठीक है इस तरह से इनका क्या है ये रियल नंबर है मतलब इनका प्लेस है कि थ्री नंबर पर आता है हमारा सी तो देखिए फ्रेंड्स अगर एक की बात करें ये फर्स्ट पर आता है यानी कि ये सही है तो इस हिसाब से हमारी ये वाली ट्रिक भी चल सकती है लेकिन देखिए पी जो है वो सेवन नंबर पर नहीं आता है इट मीन यहाँ पर हमें जो इसके लिए नंबर अलॉट किए गए हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका नंबर चूज करना है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें ए के लिए कौन सा नंबर यहाँ दिया गया है वन तो हम आर देख लेते हैं आर के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर गिवन है एट ठीक है e के लिए यहाँ कौन सा नंबर गिवन है क्योंकि यहाँ सेकेंड पर ई e है तो ई e के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है थ्री सी के लिए कौन सा नंबर गिवन है टू ई e के लिए अगेन थ्री पी के लिए क्या दिया हुआ है सेवन टी के लिए नाइन मैं नीचे लिख देती हूँ आई के लिए फोर ओ के लिए सिक्स एंड एन के लिए फाइव ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स फोर सिक्स फाइव लास्ट में कहाँ आ रहा है यानी ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया अब बी बी और सी में देखना है तो देखिए एट थ्री टू थ्री सेवन नाइन फोर सिक्स फाइव यस ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ठीक है तो इस तरह से ये आपको करना है दो तरह से हो सकते हैं इनके रियल जो प्लेस होती है वो वो नंबर दे सकते हैं या फिर इन्होंने जो नंबर अलोकेट किया हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है यदि कोर्स को एक कूट भाषा में e -S -R -C -O -U लिखा जाए तो उस भाषा में ब्रीत को किस तरह लिखा जाए तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इस तरह से लिखने का क्या परपस है -E. देखिए यानी कि लास्ट वाला वर्ड पहले आया है और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में गया है ये वाला इधर आया है ये वाला वो इधर गया है यानी कि इनके जो प्लेस है वो आपस में यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर दिया गया है ठीक है एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर दिया गया है तो उसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं बी आर ई ए टी एच तो देखिए एच यहाँ आ गया इसका बी यहाँ चला गया इसका टी यहाँ आ गया इसका आर e यहाँ चला गया इसका ए यहाँ इसका ई यहाँ तो देखिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है ठीक है तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं सभी भिखारी कौन है गरीब हैं तो अब हमें कथन सत्य देखने हैं कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है ठीक है वह सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं ठीक है, है। ए अमीर है ए भिखारी नहीं है ये भी सही है यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है यदि ये भिखारी है तो ये अमीर नहीं है तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो निष्कर्ष है वो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है ठीक है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है इंग्लिश में क्वेश्चन है दी कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज यानी कि कभी सोल ट्रेड मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट uh, होता है यानी उसको प्रारंभ करते हैं और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा व्यापारी द्वारा यानी कि ट्रेडर द्वारा बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा या बाय लॉ तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए व्यापारी द्वारा एकांकी एक व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टेब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है उसके सारे रिस्क उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं तो सारे डिसीजन भी वो खुद लेगा उसका जब मन करेगा जहाँ मन करेगा करेगा वो वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश कर सकता है और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी व्यापारी समझ संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है यह कथन किसका है यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकिल ऑल रिस्क दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ऑप्शन है एल एच हेने चार्ल्स एस टिपेट्स C D तो सी ऑप्शन है सी डब्ल्यू गेस्टन डी ऑप्शन है नन ऑफ तो बताइए फ्रेंड्स ये किसने कहा था तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये दिया गया था सी डब्ल्यू गेस्टन बर्ग के द्वारा फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा आवश्यक नेसेसरी आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी uh, सरकार जो, uh, जो होते है, उनका कराना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि वो खुद उसकी तो जरूरत नहीं होती है वो उसका खुद का बिजनेस है कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट है सायदारी फॉर्म को चला सकता है यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म रन बाय ए सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स वन और ऑल पार्टनर्स सी ऑप्शन है एनी वन डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो right answer है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी साझेदारी फॉर्म कोई को को एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सायदारी फॉर्म का पंजीयन कराना होता है यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना क्या है आवश्यक मैंडेटरी स्टेचुटरी या फिर इलीगल फ्रेंड्स यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होएगा नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस परपज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो लेकिन मैंडेटरी में यह है कि आपको हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है तो फ्रेंड्स ठीक से आंसर दीजिएगा इसलिए मैंने इस दो ऑप्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया है जैसे कि आप कन्फ्यूज ना हो तो बताइए इसका क्या आंसर होगा इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए आवश्यक फ्रेंड्स इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से लॉ की तरफ से तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा अगर वो उसको नहीं मिलेंगे अगर वो नहीं कराता है तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है

बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहाँ पे वो अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ईच एंड एवरी पर्सन को वहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री है तब वो ट्रांसफ़र कर सकता है और इसमें गोल्ड की परमिशन की ज़रूरत तो होती नहीं है सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की ज़रूरत होती है अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफ़र को कोई भी पार्टनर ट्रांसफ़र कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं यानी कि इन कंपनी कंपनी ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कमेटी बोर्ड मैनेजमेंट या तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट right आंसर है राइट right आंसर है इसका ऑप्शन बी बोर्ड जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं और ये जो पब्लिक होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजोरिटी से और ये उनके विहाफ पर काम करते हैं यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेम्बर्स डिफरेंट होती है एक ही होती है कम होती है या अधिक होती है तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से होती है, उसकी अलग होती है, उसका एक से अलग होती है तो ए ऑप्शन हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं यानी कि पार्टनर डिसाइडेड ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि पार्टनरशिप जिसे हम संलेख भी बोलते हैं हर पार्टनरशिप फॉर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है जिसमें सभी चीज मैंशंस होती हैं तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनरशिप डीड की एबसेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है किस में होता है सोल ट्रेड में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी संगठन में या फिर इनमें से कोई नहीं तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है सायेदारी संगठन सायेदारी संगठन के अंदर पार्टनर ज, ओनर और एजेंट का ओज, ज, रिलेशन होता है जिसमें कि एजेंट होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है तो फ्रेंड सा अर्थशास्त्र है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट साइंस एंड आर्ट या आ, नो वन यानी कोई नहीं तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 3 साइंस एंड आर्ट साइंस एंड आर्ट इसलिए क्योंकि वेबसाइट अर्थशास्त्र में कुछ uh, ऐसे रूल्स कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिज़नेस को किस तरह से रन करेंगे या फिर उसके लिए क्यों किस तरह के मैथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स बी साइंस सी आर्ट या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है नेक्स्ट है अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल यानी बिजनेस स्टडी करता है किसकी स्टडी करता है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक या नो वन तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है थ्री जो की है दोनों आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी ग्रोथ रेट देखी होगी नेशनल इनकम देखी होगी तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजीरियल वर्क वी आ कंटिन्यूस प्रोसेस सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या डी ऑल ऑफ द अब तो बताइए फ्रेंड्स डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है फोर यानी ऑल ऑफ दी आवर एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट्स के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि किसी भी चीज़ में आप डिसीजन लेंगे तो वो यज ये, ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा तो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है आप किसी छोटे छोटे बड़े से से बड़े बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है तो इसका राइट right आंसर है उपयोग सभी नेक्स्ट है सभी निर्णय होते हैं तो बताइए फ्रेंड सभी निर्णय किस किस तरह के होते हैं ऑल डिसीजन आर मेड ओनली पॉजिटिव ओनली नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव या इंस्ट्रक्शनल तो बताइए फ्रेंड्स किस तरह के डिसीजन होते हैं इसका राइट आंसर है थ्री जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो डिसीजन जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा लॉस है लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं क्योंकि अगर वहां हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे क्योंकि आपने सुना होगा कि जि, जहां जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहाँ प्रॉफिट भी उतना ही होता है तो कुछ इसी तरह के कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कुछ इस तरह के सकम बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजन लेने पड़ते हैं कहीं हमें नेगेटिव डिसीजन भी लेने पड़ते हैं नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय यानी द डिमांड फोकास्ट इज तो बताइए फ्रेंड डिमांड फोकास्ट क्या है Analytical, uh, analysis of future sale, current sale analysis है, है, है है। या फिर neither of the above है? तो हमारी एक demand forecast क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट right आंसर है ए जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल डिमांड फोकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेसिंग है वो सारे डिसीजन हम ले पाएंगे तो डिमांड फोकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच एक कथन है यानी इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज ए स्टेटमेंट ये किस तरह का स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है बोध ऑफ दी अब है या नाइदर ऑफ दी अब है तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंशल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम डिमांड अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यानी वो हमें एक परिणाम बताता है तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्शियल स्टेटमेंट है ठीक है नेक्स्ट है मांग की लोच प्रभावित होती है तो फ्रेंड्स मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ फॉर्म से से। या फिर ऑल ऑफ़ फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी यानी कि उपयोग सभी देखिए फ्रेंड्स मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है ठीक है और साथ ही साथ पे भी अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी कम होगी लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं तो वहां पे क्या होगी ऑफकोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी साथ ही साथ वस्तु का मूल्य अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल हैं हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है तो ऑफकोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर क्या होगी डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेक्स्ट है पूर्ति से आश्रय है यानी सप्लाई में सप्लाई का मतलब क्या होता है उत्पादित माल की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टॉक ऑफ़ गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑफ़ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स तो बताइए फ्रेंड्स पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आश्रय है तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है थ्री जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की आ, सेल करने के लिए और जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है नेचुरल कॉजेज़ टैक्स ट्रिटी पॉलिसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स फ्रेंड्स देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है लेकिन हमें इन चार ऑप्शंस में से डिफाइन करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है देखिए टैक्स ट्रिटिव पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती तकनीकी विकास तकनीकी विकास ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं क्रॉप कर रहे हैं अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है नेचुरल वहाँ पे बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो नेचुरल है वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं नेक्स्ट है, है पूर्ति के नियम का आशय यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ ऑफ दी या नाइदर ऑफ दी अव तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव जो कि हमारा ऑप्शन टू है करेक्ट नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल या फिर फोर नाइदर ऑफ दी अब तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर हमने पढ़ाता फ्रेंड्स कि ब्रेक पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है ठीक है नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस प्रोडक्शन ए एक्वीरियम पॉइंट बी सिक्योरिटी लिमिट सी कॉन्ट्रीब्यूशन या डी ऑल ऑफ द तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं ठीक है तो वहां पर क्या होता है इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन में हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पर डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे तो इसका राइट right आंसर है फोर उपरोक्त सभी नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट टू इंक्रीज लॉसेज स को करते हैं तो वो बात अलग है की अब आज जो हम आ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्वे सेकेंड प्रॉफिट लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं कोई भी बिजनेस मैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टिश कर रहा है आ, क्योंकि सबको पता होता है कि स्टैब्लिश टाइम में ही हमारा हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते क्योंकि नई नई फॉर्म है उसको मार्केट में स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा गुडविल बनाने में टाइम लगेगा लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा वो इस तरह की प्लानिंग करेगा उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो इसका आ, जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन वन जो कि है लाभों को बढ़ाने में नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति समाज के प्रति राष्ट्र के प्रति उपरोक्त दोनों के प्रति या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट right आंसर इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन थ्री जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट रहे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर ये आपको पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय